हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, साम्राज्यवाद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल, और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो अफ्रीका में साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने साम्राज्यवाद के कारण पढ़े थे, इसका स्वरूप के बारे में और इसके उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था। अब हमें दो महाद्वीपों में साम्राज्यवाद का अध्ययन करना है, एक तो अफ्रीका और एक एशिया। ठीक है, तो अफ्रीका की अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी में अफ्रीका नव साम्राज्यवाद का शिकार बना। ऐसा था, आरंभ में तो यूरोपीय शक्तियों को अफ्रीका के संबंध में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए अफ्रीका इज कॉल्ड एज अ डार्क कॉन्टिनेंट। अंध महाद्वीप अफ्रीका को इसलिए कहा जाता है, अंध महाद्वीप, द डार्क कॉन्टिनेंट। क्यों? क्योंकि इसके बारे में अज्ञानता थी। अज्ञानता मतलब अंधेरा, इससे जो है डार्क कॉन्टिनेंट कहकर इसको पुकारा जाता है। और आप जानते हैं कि ये एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इससे मतलब 19वीं शताब्दी में इसके बारे में ग्रांट स्पेक बेकर, लिविंगस्टोन, स्टेनले जैसे यूरोपीय खोजकर्ताओं ने अपने जान की परवाह किए बगैर अफ्रीका के विभिन्न प्रदेशों की खोज की थी। एंड दैट टू अकर्ड इन द 19th सेंचुरी। यानी इससे पहले इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ये तो कुछ ऐसे साहसी लोग थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस क्षेत्र में घुसकर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को फाइंड आउट किया, और उन्होंने अलग अलग नदियों के मार्गों के विषय में भी जानकारी दी है, जैसे नील नदी के बारे में, नाइजर कॉन्गो नदी के बारे में उन्होंने मतलब नदी मार्गों की खोज हुई। और आप जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में ज़्यादातर जो है यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति आ गई थी। अब जब औद्योगिक क्रांति आई तो आप जानते हैं कि कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी उद्योगों के लिए, और कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए और उसको निर्मित करके बाजार में बेचने के लिए बाजारों की और अन्य उपनिवेशों की आवश्यकता पड़ी। तब जो है अलग अलग यूरोपीय देशों से नाविक, साहसी लोग वहाँ से निकले, और जैसे कि आप जानते हो कि ये काम तो काफ़ी पहले से चल रहा था, लगभग 15वीं सदी से चल रहा था, कि जब तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था तो जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं ये अलग अलग मार्गों की खोज कर रही थी कि किस तरह से जब थल मार्ग बंद हो गया है तो जल मार्ग के द्वारा विभिन्न देशों की, विभिन्न महाद्वीपों की खोज की जाए। और इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि ईसाई मिशनरी जो थे वो भी अपना धर्म यानी ईसाइयत जो है विभिन्न महाद्वीपों में फैलाना चाहते थे। तो जितने महाद्वीपों नए महाद्वीप मिले इस कार्य के लिए उतने बढ़िया। वैसे भी 1869 में स्वेज कैनाल के बन जाने के कारण, स्वेज कैनाल था जो कि यूरोप को विभिन्न पूर्वी देशों से जोड़ता था, तो उसकी खोज हो जाने के मतलब उसके निर्माण हो जाने के कारण यूरोप के देशों से पूर्व के देशों में का जो संपर्क था वो बढ़ गया, और यूरोपीय देशों ने जो साम्राज्यवादी देश थे उन्होंने अफ्रीका में रुचि लेनी आरंभ कर दी। और एक ऐसा समय आया कि जब वेन देर वॉज ए स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, यानी अफ्रीकी देशों को विभिन्न यूरोपीय शक्तियों ने आपस में बांट लिया, दे डिवाइडेड डिफरेंट एरियाज ऑफ अफ्रीका एमंग देमसेल्व्स। और ये मैं आपको बता दूं कि 1875 से पहले अफ्रीका के बारे में यूरोपीय लोग केवल नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों तक उनको जानकारी प्राप्त थी, जैसे मिस्र है, अल्जीरिया है, या ट्यूनिस है, मोरक्को, जो कि यूरोप से नज़दीक पड़ती थी। अगर आप देखें मैप में, अगर आपको आइडिया है मैप का, यूरोप और अफ्रीका को अगर आप ट्रेस कर सकते हैं तो आप देखें कि यूरोप का जो दक्षिण है, दक्षिणी यूरोप जो है वो उत्तरी अफ्रीका के निकट है। तो इसलिए 1875 तक जो जानकारी थी
वो ज़्यादातर उत्तरी अफ्रीका के देशों की थी, जैसे उसमें मिस्र, आप तो जानते हैं, आपने फिफ्थ सेमेस्टर में मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ा। यूरोप और मिस्र कितना नज़दीक है आप समझ सकते हैं, बीच में जो है लाल सागर वगैरह, ये अगर आपको मैप का पता है। अल्जीरिया, ट्यूनिस, मोरक्को, ये ऐसे देश थे जो कि बिल्कुल नॉर्थ में पड़ते थे। तो 1875 तक तो केवल यहीं तक सीमित था, लेकिन एक लेखक था जिसका नाम था हेनरी मार्टन स्टैनली। स्टैनली ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट। उसके प्रकाशन के पश्चात अफ्रीका में साम्राज्यवादी देशों की रुचि और बढ़ गई थी, और वो भूखे गिद्ध की तरह जो है अफ्रीका पर टूट पड़े। आप ये देखिए, 1875 से लेकर 1914 तक समस्त अफ्रीका को उन्होंने अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया था, अपनी साम्राज्यवादी भूख का शिकार बनाया। दे डिवाइडेड द डिफरेंट एरियाज ऑफ अफ्रीका, मतलब यूरोपीय देश है ना, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, बेल्जियम, इवन बेल्जियम भी, ठीक है, इन सब ने अफ्रीका के विभिन्न देशों को अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में जो है सम्मिलित कर लिया था। तो अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, अब हमें इसमें ये पढ़ना है कि कौन कौन से यूरोपीय देश थे और कौन कौन से अफ्रीका के क्षेत्रों पर इन यूरोपीय देशों ने अपना कब्जा किया। जैसे सबसे पहले हम लेंगे बेल्जियम और अफ्रीका। तो देखिए, बेल्जियम का एक शासक था जिसका नाम था लियोपोल्ड द्वितीय, लियोपोल्ड सेकंड, जो कि एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने अफ्रीका के कॉन्गो के प्रदेश को प्राप्त करने के लिए प्रयास आरंभ किए, लेकिन उसने ये देखा कि केवल बेल्जियम ही इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि और भी यूरोपीय शक्तियां इंटरेस्टेड हैं उस क्षेत्र में, कॉन्गो के क्षेत्र में। तो देखिए, अफ्रीका के अन्य प्रदेशों की खोज करने और वहाँ की सभ्यता के प्रकाश को फैलाने के लिए लियोपोल्ड द्वितीय ने 1876 में बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, ठीक है, ब्रसल्स सम्मेलन जिसे कहा जाता है 1876 में। इसमें प्रसिद्ध भूगोल शास्त्रियों ने और खोजकर्ताओं ने भाग लिया था, और इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी संघ की स्थापना की गई अफ्रीका की खोज करने के बारे, यानी अभी तक तो केवल नॉर्दर्न एरियाज के बारे में पता था, जो मिडिल अफ्रीका है या जो सदर्न अफ्रीका है उसके बारे में खोज करने के लिए और सभ्यता के विकास के लिए, ठीक है, उसने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें जिसका अध्यक्ष लियोपोल्ड सेकेंड ही था, और उसने कॉन्गो फ्री स्टेट की स्थापना की। यानी कॉन्गो एक बहुत बड़ा एरिया था अफ्रीका का, इस एरिया में बहुत से राष्ट्र जो है इंटरेस्टेड थे अपना प्रभाव जमाने में, तो फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, बहुत से अन्य देश ये अफ्रीका की लूट में शामिल हो गए। कॉन्गो के कुछ क्षेत्र पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया, कॉन्गो के कुछ क्षेत्र पर फ्रांस का कब्जा हो गया, पुर्तगाल भी फिर आ गया, उसने भी अपना दावा ठोक दिया। तो इस तरह से कॉन्गो जो है विभिन्न क्षेत्रों में डिवाइडेड हो गया, और बेल्जियम ने अफ्रीका में कॉन्गो के एक स्टेट पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया। इसके बाद एक और सम्मेलन हुआ, बर्लिन सम्मेलन। बर्लिन आप जानते हो कि जर्मनी में पड़ता है, और उसकी अध्यक्षता की जर्मनी के प्रधानमंत्री, या आप चांसलर कह सकते हैं, बिस्मार्क, ठीक है, ये हुआ था 1884-85 में ये सम्मेलन। इसमें भी एक बर्लिन एक्ट पास किया गया था जिसके अनुसार कॉन्गो फ्री स्टेट जो बनाया गया था उसको मान्यता दे दी गई, और इस पर अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकन सभा का भी अधिकार मान लिया गया। दूसरी बात यह कि कॉन्गो की जो घाटी थी उसमें सभी यूरोपीय देशों को व्यापार करने की अनुमति और नौचालन की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, यानी सभी यूरोपीय देश व्यापार कर सकते हैं कॉन्गो से, ठीक है। कॉन्गो के क्षेत्र में किसी भी शक्ति को विशेष व्यापारिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे, ऐसे नहीं कि ये शक्ति जो है इसको जो है विशेष अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं था, सबको समान अधिकार, ठीक है।
नाइजर नदी जो थी कांगो से जो जाती थी उसके उत्तरी भाग पर, ऊपरी भाग पर ब्रिटेन का और निचले भाग पर फ्रांस का अधिकार मान लिया गया। दास व्यापार को भी बंद करने का निर्णय लिया गया। देखिए, अफ्रीका के साथ ये था कि जब यूरोपीय देश आक्रमण करते थे अफ्रीका पर, तो नेचुरली अफ्रीका पिछड़ा हुआ था, अफ्रीकियों को पराजित कर दिया जाता था और वहाँ के जो लोग थे उनको दास बना लिया जाता था। और ये दास जो है बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न यूरोपीय देशों में काम पर लगाया जाता था इनको। तो इस प्रकार से इस सम्मेलन में लियोपोल्ड द्वितीय का देखा जाए तो कांगो पर अधिकार स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अभी तो हमने बेल्जियम की बात की है, अब हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस और अफ्रीका के क्या मतलब संबंध रहे? तो देखिए, फ्रांस अफ्रीका में स्थित मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनिस, मोरक्को, इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। ये आप देख सकते हो कि ये नॉर्दर्न एरियाज हैं अफ्रीका के। तो फ्रांस इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। 1882 में फ्रांस ने समस्त अल्जीरिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर उसने ट्यूनस पर भी अपना अधिकार स्थापित किया, और लेकिन बिस्मार्क ने की सहायता से 1881 में फ्रांस ने ट्यूनस पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, इसके बाद पूर्वी अफ्रीका में भी उसने अपने उपनिवेश, फ्रांस ने अपने उपनिवेश बनाने के प्रयास किए। बाकी मोरक्को पर जो है उसने अधिकार किया। 1904 में फ्रांस और स्पेन के बीच एक संधि हुई जिसके अनुसार दोनों ने मोरक्को को अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया, लेकिन फिर भी बाद तक जर्मनी और फ्रांस के झगड़े चलते रहे मोरक्को को लेकर, लेकिन बेसिकली मोरक्को पर जो अधिकार था वो फ्रांस का ही स्थापित रहा। इसके बाद हम बात करते हैं, फ्रांस ने मेडागास्कर को भी अपना उपनिवेश बनाया। दक्षिण पूर्व में पड़ता है मेडागास्कर, इसको भी अपना उपनिवेश बनाया। तो अभी हमने बात की बेल्जियम की, दूसरी बात की हमने फ्रांस की, अब हम बात करते हैं इंग्लैंड और अफ्रीका, यानी इंग्लैंड ने अफ्रीका में कौन कौन से क्षेत्रों पर अधिकार किया। तो एक तो मिस्र पर इंग्लैंड ने अपना प्रभाव बढ़ाया। ठीक है, और आप ये देखिए कि 1904 में एक समझौता हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, जिससे इंग्लैंड का मिस्र पर अधिकार स्थापित हो गया, जो कि 1919 तक जो है ये अधिकार चलता रहा। इसी तरह से इंग्लैंड ने या ब्रिटेन ने मिस्र के अधीनस्थ राज्य सूडान पर भी अपना अधिकार किया। 1904 में सूडान पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया था। बाकी केप कॉलोनी और नटाल नामक क्षेत्र और ट्रांसवाल, इन क्षेत्रों पर भी अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त रोडेशिया, पूर्वी अफ्रीका के कुछ क्षेत्र और पश्चिमी अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों पर इंग्लैंड ने अपना अधिकार स्थापित किया। तो ये बात हो गई बेल्जियम, फ्रांस और इंग्लैंड की। अब हम बात करते हैं जर्मनी की, कि जर्मनी ने फ्रांस में क्या-क्या क्षेत्र हासिल किए। तो देखिए, शुरू में तो जर्मनी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी भी मतलब साम्राज्यवादी कोई भी उसकी अभिरुचि नहीं थी, क्योंकि ये कहा जाता था बिस्मार्क के द्वारा कि जर्मनी इज ए सैटिएटेड नेशन। सैटिएटेड मतलब संतुष्ट देश है, कहीं किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई उपनिवेश नहीं बनाना, सेल्फ सफिशेंट है, संतुष्ट देश है। लेकिन जब उसने ये देखा कि इतने सारे यूरोपीय देश, दे आर सो मच इंटरेस्टेड इन अफ्रीका, तो 1800, और वैसे भी आप ये देखिए कि 1870 के बाद जर्मनी में तेजी से औद्योगिक परिवर्तन हुए, इंडस्ट्रियल चेंजेस, और अब उसको भी उपनिवेशों की आवश्यकता महसूस होने लगी, और बढ़ती हुई जनसंख्या को सपोर्ट भी करना था, उसको माइग्रेट भी करना था। तो इसलिए बिस्मार्क को मजबूरन साम्राज्यवादी नीति अपनानी पड़ी। तो सबसे पहले उसने हेलिगोलैंड नामक उपनिवेश बनाया अफ्रीका में, ये पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है हेलिगोलैंड, ठीक है, उसको अपना उपनिवेश बनाया। फिर उसने अंगारे और पक्यूबाना को भी अपने अधीन किया। कैमरून और टोगोलैंड में भी उसने
अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो इस प्रकार से जर्मनी भी उस औपनिवेशिक होड़ में शामिल हो गया, जो कि पहले नहीं था। बिस्मार्क का शुरू में यह मानना था कि जर्मनी को कोई और विस्तार की आवश्यकता नहीं है, उसे कोई और उपनिवेश नहीं चाहिए। इसी तरह से इटली के बारे में हम पढ़ेंगे कि इटली भी अफ्रीका की लूट में शामिल हो गया। सबसे पहले उसने ट्यूनिस पर अधिकार किया और 1911 में इटली ने ट्रिपोली और साइरिनिका नामक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो इटली ने भी उस, आप ही कह सकते हो कि बंदरबाट जो थी उसमें भाग लिया। इसके बाद पुर्तगाल की बात करते हैं हम, तो पुर्तगाल ने अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित कांगो का कुछ भाग, जिसे अंगोला कहा जाता था, उसको अपना उपनिवेश बनाया। इसी तरह उसने मोजाम्बिक को अपना उपनिवेश बनाया। तो स्पेन भी कैसे पीछे रह सकता था? आप ये देखिए क्रम से, इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, उधर बेल्जियम, ठीक है ना, ये सारे जो यूरोपीय देश थे, दे स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन अफ्रीका। तो स्पेन ने भी अफ्रीका के विभाजन में भाग लिया, उसने भी कुछ पश्चिमी तट के भागों पर अधिकार किया, उसने टेंजियर पर अधिकार किया। तो ये कहा जा सकता है अंत में कि साम्राज्यवाद का जो विस्तार था अफ्रीका में, ये विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि यूरोपीय शक्ति ने बिना किसी युद्ध के अफ्रीका को टुकड़े टुकड़े करके आपस में बांट लिया था, और कभी सहमति से, कभी संघर्ष से, जैसे भी है, पर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा बंटवारे को लेके, हालांकि बीच बीच में कई बार तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, लेकिन कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। और 1870 से लेकर 1914 तक ये क्रम चलता रहा, जिसमें इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी जैसे देश इसमें शामिल हो गए, स्पेन शामिल हो गया। और इसने यूरोप की राजनीति में एक तरह से उथल पुथल मचा दी थी। यूरोप में बहुत से गुटबंदियाँ, बहुत सी कूटनीतियाँ, षड्यंत्र जो है, इनका दौर आरंभ हो गया, जो कि अंततः 1914 के युद्ध का कारण बना, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।